Hello everyone, I'm Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS. In this video, we are going to discuss about the duality theorem in Boolean algebra. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है और जिसकी शुरुआत आपके सीबीएसई क्लास 11th में है. अगर आप 11th 12th का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स से रिलेटेड है. अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है, 10th तक भी पढ़ा है, तो देर आर सम लॉज टू बी लर्न. वो बूलियन लॉज होते हैं, जैसे आपने लॉजिक गेट पढ़ा होगा, कुछ स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड हाउ टू कन्वर्ट दैट स्टेटमेंट इनटू निगेशन, सो एंड सो. तो ड्यूअलिटी थ्योरम भी आपके मैथ्स का ही एक पोर्शन है जो कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड हाउ अ डिजिटल लॉजिक वर्क्स, है ना. तो चलिए इस वीडियो में कवर करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के भी साथ. तो सबसे पहले ड्यूअलिटी थ्योरम की अगर हम बात करें, ड्यूअलिटी थ्योरम में अगर कोई वैल्यू आपको जीरो गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे वन में. बिल्कुल भी ये मत समझिए कि इट इज वेरी टफ, बस जैसे आप किसी गेम को याद रखते हैं वैसे याद करना है. अगर मैंने बोला एक वैल्यू है 010 और अगर क्वेश्चन में आपको पूछ लिया इसका ड्यूअलिटी निकालना है, इट मीन्स यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इंटू 0 को 1, 1 को 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 101, है ना. तो इसी ड्यूअलिटी को आप दूसरे टर्म से बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट निकालना, एंड बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज वंस कॉम्प्लीमेंट. किसी भी वैल्यू में अगर आप 0 को 1 में कन्वर्ट करते हैं या 1 को 0 में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट इज योर वंस कॉम्प्लीमेंट. तो ये पहला रूल है ड्यूअलिटी का. दूसरा रूल है अगर कोई स्टेटमेंट में और गिवन है तो उसको आपको एंड में कन्वर्ट करना है और साइमल्टेनियसली, एक्चुअली ये एरो इस तरीके से होगा, और को एंड में और एंड को और में. अब और एंड एंड पिछले वीडियो में भी आपको पढ़ाया है कि अगर कोई स्टेटमेंट है जो इस तरीके से लिखा है ए प्लस बी, तो इसका डुअलिटी हो जाएगा ए डॉट बी. जो नंबर है या जो अल्फाबेट है, ए और बी इज अ अल्फाबेट और अ कैरेक्टर, अल्फाबेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, बस चेंज होगा उसके जो ऑपरेंड है उसमें. प्लस को आप चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे प्लस में. सो ऑर इज ऑल्सो नोन एज प्लस, और एंड को आप बोलते हो मल्टीप्लाई, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉट सिंबल. इसका उल्टा, अगर आपको यहाँ पे एक्स डॉट वाई गिवेन है तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्स प्लस वाई में. सो दिस इज योर रूल नंबर 2. इसके बाद रूल नंबर 3 है, नॉट का नॉट में हो जाएगा, मतलब नॉट का कोई भी चेंज नहीं होता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट इज, देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट है ना, 0 का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट है तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 में हो जाएगा. तो ये नॉट नॉट का कुछ भी चेंज नहीं होता, ये कॉम्प्लीमेंट है, विच इज एक्चुअली अंडरस्टैंडेबल बाय द वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट. एक्सोर और एक्सनॉर है, तो एक्सोर इज योर दिस सिंबल विच इज ऑल्सो नोन एज एक्स एक्सोर वाई, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स एक्सनॉर वाई में, दैट इज इट इज कन्वर्टेड इंटू एक्स एक्सनॉर वाई. अब एक्सोर एक्सनॉर क्या है, ये एक लॉजिक गेट में जब आप पढ़ते हो एंड और नॉट, तो वहां पे इसका भी ट्रुथ टेबल होता है. एक्सोर की अगर हम बात करें तो अगर आपका इनपुट डिफरेंट है, दैट इज 0 1 का कॉम्बिनेशन है, 1 0 का कॉम्बिनेशन है, देन यू विल गेट 1 इनपुट. एक्सनॉर में क्या होता है, जो सेम इनपुट है इसमें आपको वैल्यूज 1 मिलती है. तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो वेट करिए, नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो होगा उसमें मैं पूरा लॉजिक गेट भी डिस्कस करने वाली हूँ, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. सिमिलरली द फिफ्थ वन इज नैंड और नॉट, विच इज योर यूनिवर्सल गेट, ठीक है. तो यूनिवर्सल गेट क्या होता है, बेसिक गेट्स क्या होते हैं, वो सारे वीडियो 11th 12th के प्लेलिस्ट में कवर हो जाएंगे, तो प्लीज वेट फॉर सम वाइल. इस वीडियो में ड्यूअलिटी थ्योरम हमने डिस्कस किया, तो आपको दो इंपॉर्टेंट ड्यूअलिटी थ्योरम याद रखना है, दैट इज ऑर इज कन्वर्टेड, ऑर इज कन्वर्टेड इंटू 1 मिनट, ऑर इज कन्वर्टेड इंटू 0 एंड 0 इज कन्वर्टेड इंटू 1, है ना. तो ये आपको याद रखना है, और दूसरा आपको और एंड का याद रखना है. अब आपके 11th 12th में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन, तो पूरा क्लियर हो जाएगा. एज फॉर एग्जाम्पल, ये अगर क्वेश्चन गिवन है तो देखो मैंने केवल बोला सिंबल में चेंज नहीं होना है, तो इसका जो ड्यूअलिटी है वो ए प्लस बी हो जाएगा. वाई, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं, इट मीन्स यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है, तो ये ड्यूअलिटी हमने चेंज किया. प्लस विल बी चेंज इंटू मल्टीप्लाई, जो इसका ए कॉफिशियंट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इट इज ए प्लस बी. सो दिस इज अ ड्यूअलिटी. अगेन आई एम रिपीटिंग इट,
अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज होगा, अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, दोनों सिंबल में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, ये प्लस में है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, अगेन ये मल्टीप्लाई में है प्लस में कर दिया। अब ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं इसको, ये जो आपका है दिस इज कॉम्प्लीमेंट, तो एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट एक्स के ऊपर है और ये कॉम्प्लीमेंट वाई के ऊपर में। तो ये आप क्वेश्चन मुझे इसका आंसर में देंगे कमेंट सेक्शन में, एक्स वाई है प्लस एक्स बार वाई है प्लस एक्स वाई बार है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, सिर्फ प्लस को मल्टीप्लाई में करना है, मल्टीप्लाई को प्लस में करना है, आपके 1 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। और जो आपके सिंबल्स हैं, सिंबल्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो नाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। और इस चीज को अच्छे से समझने के लिए ये मैं टेबल लेकर आई हूँ, बहुत ध्यान से आराम से देखना, आराम से समझना है। 1 को कन्वर्ट किया 0 में, सिमिलरली 0 को कन्वर्ट किया 1 में, 0 को 1 में कन्वर्ट किया, 1 को 0 में किया, सेम चीजें हैं। जिसको इस दोनों को आप ऑल्सो बोलते हो, इट इज योर वंस कॉम्प्लीमेंट। तो अगर वंस कॉम्प्लीमेंट भी अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो सेम चीजें हैं, ठीक है। अब देखो ये 1.0 दैट इज मल्टीप्लाई जो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे प्लस एक्सक्यूज मी प्लस में कन्वर्ट हो गया, अगेन ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये वैल्यूज कैसे आ रही है, सो दिस इज योर बुलियन लॉस, दिस इज योर बुलियन लॉस। मल्टीप्लाई में अगर कोई वैल्यू 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करने में पता है ना 0 ही आता है, तो दैट इज वाई 0। नाउ अगर कोई वैल्यू को 0 से प्लस करेंगे तो जो वैल्यू है वो आती है, सो दैट इज वाई यहाँ पे 0 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 0 से करेंगे 1 आएगा। ये तो जनरल मैथमेटिक्स है कि अगर आप 1+0 करोगे तो 1 ही आता है ना मैथ्स में, ये तो छोटे बच्चे भी जानते हैं। इसी चीज को यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया है, अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, अगर ये प्लस में है तो फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और सेम चीजें हैं, 0 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में 0 आएगा, अगर 0 से प्लस करते हैं दस एग्जैक्ट नंबर वी विल गेट। तो ये 0-1 के फॉर्म में है। सिमिलरली आपसे जो क्वेश्चन पूछ लेता है वो एक अल्फाबेट के फॉर्म में पूछ लेगा, तो अल्फाबेट में भी सेम आ जाएगा। A.0 है, इट इज कन्वर्टेड इनटू A+1। 0.A है, वो 0+1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप चेक कर लीजिएगा, इसके बाद हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। सो A.B=B.A, इसका डुअलिटी क्या हो जाएगा, डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज योर कम्यूटेटिव लॉ, इसको आप क्या बोलते हो, कम्यूटेटिव लॉ। एक और वीडियो में बनाऊंगी जहां पे मैं सारे लॉज को एक्सप्लेन करूंगी। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, आप इसको एक प्रूफ कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा 2+3 सो इट इज इक्वल्स टू 5, अगर इसको 3+2 भी लिखेंगे तो 5 आएगा, मतलब आगे पीछे अगर हमने नंबर चेंज कर दिया सो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। सिमिलरली दिस इज नोन एज योर एसोसिएटिव, इसको क्या बोलते हैं, इस लॉ को आप बोलते हो एसोसिएटिव, ये मैथ्स के लॉज हैं। 3 नंबर आपको गिवन है तो इसको डुअलिटी में भी पहले चेंज किया, देखो ए डॉट है तो ये प्लस 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 चेंज हो गया सारे वैल्यूज, और दिस इज ऑल्सो योर एसोसिएटिव लॉ, तो ये भी होल्ड करता है। नाउ जो 4th इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर हम बात करें, सेम ए डॉट ए है, आप कैसे लिखोगे ए डॉट ए, सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं इट इज A.A+B=A। तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, यू आर सपोज टू प्रूव LHS=RHS, तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये A.A मैंने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस देन A.B। नाउ A.A किस, आप A.A की वैल्यू एक 1 ले लो तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, डेट इज A, और ये प्लस आ गया A.B, ठीक है। अब ये ए को मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1+B। और जस्ट नाउ आपने ये देखा है किसी भी नंबर को या किसी भी सिंबल को अगर हम 1 से प्लस करते हैं देन वी आर गेटिंग 1, सो इट इज ए। तो ये लॉज है ना, इसी लॉज को आपको याद भी करना होता है और आपको सिंप्लीफाई करने पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, टू सिंप्लीफाई अ गिवन एक्सप्रेशन, तो इसके लिए आपको लॉज याद होना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, दिस इज योर एक्सप्रेशन जिसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब इसका अगर ड्यूअलिटी करना है तो इसकी ड्यूअलिटी क्या आएगी, ए एज इट इज रहेगा, ये प्लस आ जाएगा, देन वी हैव A.B,
तो मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये आ जाएगा ए प्लस ए, देन यहाँ पे आ जाएगा डॉट, नाउ इट इज योर ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस ए अगेन यू विल गेट ए डॉट ए प्लस बी, ये सेम आ गया, देखो सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया, तो अभी जस्ट आपने इसको सॉल्व किया, देन यू विल गेट हियर ए एज अ आंसर, तो ये दोनों प्रूफ हो गया, सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर ए। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल इजिली केम टू नो हाउ टू सॉल्व अ गिवन एक्सप्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हम डुअलिटी की बात कर रहे थे, तो दो इंपॉर्टेंट डुअलिटी आपको याद रखना है, अगर कोई वैल्यू जीरो है वो चेंज हो जाएगा वन में, अगर कोई वैल्यू वन में है वो चेंज हो जाएगा जीरो में, या फिर अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में देगा तो और चेंज हो जाएगा एंड में, एंड चेंज हो जाएगा और में, और का मतलब है प्लस विल बी चेंज इन मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई विल बी चेंज इन प्लस, और ये अपने हमने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द कोफिशिएंट, सिंबल्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा, चेंज आपका सिर्फ होगा मल्टीप्लाई और प्लस में, तो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज दिस वन। आपको ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया है, नाउ आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग कि यू विल राइट दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगेन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन 11th एंड 12th पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन के प्रोग्रामिंग में अगर कोई भी डाउट होता है, देन यू आर सपोज टू ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी देयर टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेरी, एंड दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, नाउ यू कैन सी इन द वीडियोज वी आर अपलोडिंग सम ऑफ द प्रैक्टिस सेट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने कई सारे स्कूल में पर्सनली ये देखा है कि दे आर नॉट एम्फसाइजिंग इन सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बोर्ड, एंड मोमेंट पे जाके सॉल्व करते हैं, पर तरीका ये होता है कि अगर आपने कोई भी टॉपिक को पढ़ा है उसके सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करिए और उसको अभी सॉल्व करिए, बिकॉज अभी से जितना सॉल्व करेंगे देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 95 प्लस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। और इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी एंड आई विल बी देयर टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू द कोर्स रिलेटेड टू द क्लासेस। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, थैंक यू।